नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केळकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे हॉस्पिटल का नाम है केळकर हॉस्पिटल, जो अकोला में महाराष्ट्र में है। मुझे खुद 7 साल का साइकियाट्रिक एक्सपीरियंस है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बेसिकली मैंने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे इसके पहले भी 2 से 3 वीडियोस बनाए हैं, लेकिन बहुत लोगों ने ये मुझे कमेंट्स दिए कि आप और इसके उसको ज़्यादा जानकारी दीजिए, ये वीडियो पे और अधिक माहिती बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि हमको और ज़्यादा संक्षिप्त में, डिटेल में इसके बारे में आइडिया मिले। इसलिए मैं ये वीडियो आज बनाने वाला हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बेसिकली ब्रेन की एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रकार से फिक्स हो जाता है और एक पर्टिकुलर ब्रेन पैटर्न तैयार हो जाता है, जिसके कारण बार 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 रिपीटेड थॉट्स आने लगते हैं और बार 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 वो आदमी अलग अलग क्रिया, रिपीटेड क्रिया करने लगता है। अगर वो आदमी बार बार वही 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 चीज सोचता है और बार 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 वही वही क्रिया करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जितना भी वो व्यक्ति वो चीज सोचने से या क्रिया करने से अवॉइड करता है, जितना भी वो सोचता है कि नहीं ये मुझे विचार नहीं आना चाहिए या वो क्रिया नहीं करनी चाहिए, फिर भी जितना वो सोचता है उसके डबल स्पीड से वो विचार आते हैं और वो बार बार क्रिया करता है। मैंने पिछले वीडियो में जो बेसिक ओसीडी थे उसके बारे में जानकारी दी थी। आज मैं कुछ स्पेशल जो ओसीडीज है उसके बारे में बताऊंगा। हाल ही में एक ऐसा पेशेंट आके गया, मुझे मिलके गया, जो बोल रहा था कि जब मैं कोई भी व्यक्ति से मिलता हूं और मिलने के बाद निकल जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं बार बार वापस आके वो व्यक्ति से मिलूं और उसको सॉरी बोलूं, उसे माफी मांगूं, क्योंकि वो व्यक्ति को लगता था कि अगर मैं वो व्यक्ति को वापस नहीं मिला तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ना कुछ नुकसान मेरे लाइफ में हो जाएगा। इसलिए मिलने के बाद भी वो व्यक्ति वापस आता था और वही सेम व्यक्ति को 4-4, 5-5 बार मिलता था, जिसको बोलते हैं रिपीटेड बिहेवियर, कंपल्सिव बिहेवियर। यानी कोई तो भी घटना हुई, बार 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 विचार आया और फिर वो व्यक्ति को लगा नहीं मैंने 5 बार वो व्यक्ति से मिलना चाहिए। ये बहुत ही इररिलेवेंट और इरेशनल थॉट है, लेकिन वो व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। उसको इतने बार 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 विचार आने लगते हैं कि उस पर एक्शन लेना उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सेकेंड ओसीडी है जो मैंने अभी अभी रिसेंटली देखा है वो है संशय, मतलब शक। एक व्यक्ति को बार 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 ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी का कहीं ना कहीं अफेयर है, हालांकि वो बीवी से 10 बार पूछ चुका है, बीवी ने नहीं बोला है, व्यक्ति के पास कुछ प्रूफ नहीं है। व्यक्ति को भी मालूम है कि हाँ मेरी बीवी बहुत ही क्लियर है, पवित्र है और कोई भी प्रकार का अफेयर मेरी बीवी का नहीं है, लेकिन कितना भी वो सोचे फिर भी वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरी बीवी का अफेयर है। इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव थॉट्स। जितना वो बोलता है कि नहीं ये विचारों को मैं दूर करूंगा, फिर भी ये विचार बार 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 आते रहते हैं और उसके वजह से पेशेंट को बहुत ही डिप्रेस लगता है, एंग्शियस लगता है, बहुत ही गंदा लगता है। जो थर्ड टाइप ऑफ ओसीडी है जो हम रिसेंटली देखते हैं वो है निगेटिव थॉट्स। बार 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 ऐसा लगता है कि कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएगी, मेरे लाइफ में कुछ तो भी खराब हो जाएगा, कोई मर जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, बार 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 कंटिन्यू वो थॉट्स आते रहते हैं। ये है थर्ड प्रकार का ओसीडी। फोर्थ है भगवान के बारे में ओसीडी। कुछ कुछ लोगों को ऐसा विचार आता है कि मैं भगवान की मूर्ति तोड़ दूं, भगवान को एक स्वॉर्ड से मार डालूं, भगवान के साथ सेक्सुअल इच्छा होती है, सेक्स करने की इच्छा होती है, ऐसे अलग अलग प्रकार के गॉड के बारे में कंटिन्यू विचार आते रहते हैं, वो है फोर्थ टाइप ऑफ ओसीडी। जो नया रिसेंटली आजकल ओसीडी बहुत बढ़ रहा है वो है सेक्सुअल ओसीडी। कुछ कुछ लोग हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मुझे बार 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 जो स्त्रियों के गुप्त अंग हैं उनके तरफ बार बार देखने की इच्छा होती है, जितना मैं अवॉइड करूं फिर भी मेरा ध्यान वो स्त्रियों के गुप्त अंगों के बारे के तरफ ही जाता है, चाहे वो खुद की बीवी हो, खुद की माँ हो, खुद की बहन हो या फिर कोई भी स्त्री हो। उससे वो व्यक्ति बहुत ही बेहद परेशान हो चुका है। स्त्रियां ही नहीं, वो व्यक्ति का
पुरुषों के गुप्त अंगों के तरफ भी बार बार ध्यान जाता है, जिसके कारण वह व्यक्ति त्रस्त है। ऐसी ये बीमारी ब्रेन की बीमारी, इसको हम बोल सकते हैं कि बहुत ही स्टिकी मतलब चिकट बीमारी है, जो जल्दी जाने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं, दवाई लेते हैं, तो डेफिनेटली ये बीमारी जा सकती है और आपको कंप्लीटली एक नया लाइफ मिलेगा, आपको कंप्लीट नई जिंदगी की एक दिशा मिलेगी। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी बहुत ही कॉमन है। हम रोज हमारे ओपीडी में करीब करीब 5 से 10 से 15 पेशेंट रोज ये बीमारी से जो प्रॉब्लम है वो पेशेंट हम देखते हैं। तो ऐसे अगर किसी को बीमारी है तो ये बीमारी के बारे में लोगों को बताए और उनको ये भी बताए कि ये बीमारी का ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट के पास उपलब्ध है और आपने साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही अगला वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।